हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरी किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आलू से बनने वाली एक ऐसी ब्रेकफास्ट लेके आई हूँ जिसे हम 10 मिनट में बना सकते हैं, और इसे बनाना जितना ही आसान है उतना ही खाने में टेस्टी है। ये रेसिपी जो है कोरियन रेसिपी है, लेकिन हम इसे इंडियन स्टाइल में बना के दिखा रहे हैं जिससे ये और भी टेस्टी हो जाएगा। इसे चाहे तो आप ब्रेकफास्ट में या बच्चों के टिफिन में या शाम के स्नैक्स में कभी भी बना सकती हैं। ये बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम पोटैटो पैनकेक बनाना शुरू करते हैं। पोटैटो पैनकेक बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है वो है 2 आलू। ये मीडियम साइज के आलू को हमने छील लिया है और उसे पानी में डुबा कर रख लिया है। इससे क्या होता है कि आलू काला नहीं पड़ता है। कॉर्नफ्लोर हम 2 चम्मच, बड़े चम्मच से कॉर्नफ्लोर लिए हैं, जितना यूज होगा हम डालेंगे। हरी मिर्च को हमने बारीक काट लिया है, धनिया पत्ता को भी बारीक काट लिया है, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, प्याज को छील लिया है और फ्राई के लिए हम तेल लिए हैं। मिक्सिंग बाउल लेंगे और उसपे एक ग्रेटर की मदद से आलू को ऐसे हम घीस लेंगे। तो हम बारीक वाला ग्रेटर लेंगे जिससे अपना आलू जो है एकदम बारीकी से घीस जाए। ये बहुत आसानी से घिस जाता है। ये हमने बारीक वाले जाली से आलू को ग्रेट कर लिया है। अब हम सेम जाली से इसे भी ग्रेट करेंगे, प्याज को। तो इसे हम अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर। आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो मैदा भी डाल सकते हैं, या अरारोट का पाउडर हो तो वो भी डालेंगे। हम इतना कॉर्नफ्लोर बचा लेंगे, अगर मिक्स करने के बाद जरूरत पड़ी तो डालेंगे, नहीं तो उतना ही रहने देंगे। इसमें हम 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे, आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए। हमने 1 छोटा चम्मच ब्लैक पेपर ले लिया है, 1 हरी मिर्च को बारीक काट लिया है, थोड़ा सा धनिया पत्ता हमने काट लिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आलू और प्याज में पानी होता है, उसी पानी में हमें इस मिश्रण को मिक्स करना है। तो अब हम इसे हाथ से मिक्स करेंगे। तो अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें हमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है, क्योंकि ऑलरेडी आलू और प्याज से पानी निकलता है, उसी पानी में ये मिक्स हो जाता है। और जब हम नमक डाले हैं तो इसमें पानी और भी छोड़ेगा। तो हम इसे 2 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। हो चुके हैं, अब हम गैस की तरफ चलेंगे। तो गैस पे हम एक पैन रख लिए हैं और गैस को हम ऑन कर लेंगे। अब हम उसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल, और तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। यहाँ पे आप बटर या घी कुछ भी यूज कर सकती हैं, हमने तो तेल यूज किया है। तो तेल को फैलाते हुए हम इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। हो चुका है, अब हम इसमें पेस्ट को डाल देंगे। तो इसमें से एक छन सी आवाज आएगी और इसे हम चम्मच से फैला देंगे। तो इसे हमने एक बराबर शेप में चारों तरफ फैला लिया है। आप इसे चाहें तो छोटा छोटा भी पैनकेक का शेप दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने एक ही बार में बड़ा सा बनाया है। बाद में हम इसे काट के पीसेस करेंगे। अब हम एक साइड से इसे 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। अब हम इसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम किनारे किनारे से ऐसे एक बार इसे हिला लेंगे। अगर अच्छे से पक जाए तो ये ऑटोमेटिक ऐसे हिलता है। अब हम इसे एक बार फ्लिप करेंगे। सावधानी से
ऐसे करके और ऐसे फ्लिप कर लेंगे और केक को चेक कर लेंगे। तो हम ऐसे हिलाएंगे, अब ध्यान से देखिए, इसमें से एक साउंड आ रहा है खड़ खड़ की, तो आप समझिए ये क्रिस्पी हो चुका है। तो हम गैस के फ्लेम को अब ऑफ कर लेंगे और एक सिंपल सा प्लेट लेंगे और उस पे ऐसे टच करते हुए इसे फ्लिप कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, एक कोरियन पोटैटो पैनकेक इंडियन स्टाइल में बनकर तैयार है। इसे आप भी बनाइए और टेस्ट कीजिए। अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।